हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। चल रहा है सीजन 2 बेस्ड ऑन वेरियस होपोनोपोनो टेक्निक्स, वेरियस होपोनोपोनो टर्म्स और होपोनोपोनो टूल्स। तो सीजन 2 में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसिक होपोनोपोनो टूल, जिसमें मैं शेयर अब तक मैंने 4 बेसिक होपोनोपोनो टूल शेयर किए हैं, सी पॉट, ड्यू ड्रॉप्स, गोल्ड रिंग और इरेजर। और आज मैं एक स्पेशल होपोनोपोनो टूल शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करी है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। हाँ, मुझे कैसे पता चला वो एक छोटी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। और जब लॉकडाउन हुआ था तब मैं ना मेरा खुद का सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लाइफ कोचिंग का कोर्स चल रहा था, और उस टाइम पे मैंने होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करी थी। तो वीडियोस के थ्रू, वेबिनार्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू मैं और सारा लर्न कर रही थी। और उसी टाइम मेबल कैट्स के बारे में मैंने जाना। मेबल कैट्स कौन है वो आप मेरे सीजन 1 में पूरा एक एपिसोड उन पे मैंने डेडिकेट किया है, वो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो को देखें तो आपको पता चल जाएगा। मेबल कैट्स एक बहुत ही फेमस होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर है और एक्सपर्ट हैं। ज़्यादा नहीं बताऊँगी, आप वो वीडियो में ज़रा देख लेना। तो जब मेबल कैट्स का मैं वो उनका वो वेबिनार जो प्री रिकॉर्डेड था यूट्यूब पे वो मैं देख रही थी, तब उन्होंने बताया था 2-3 उनके हिसाब से जो उनको टूल मिले थे उस टाइम के लिए, कोरोना पीरियड के टाइम पे जो उनको उन्होंने स्पेसिफिक टूल उनको या उनके थ्रू किसी के थ्रू उनको मिले थे वो शेयर कर रहे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने एक टूल शेयर किया था गोल्ड रिंग, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और दूसरा जो टूल उन्होंने शेयर किया था उसका नाम है वैक्यूम सील। वैक्यूम सील, वैक्यूम का क्या मतलब होता है? तो वैक्यूम का मतलब होता है कि जहाँ पे कुछ ना हो, एयर ना हो, मतलब नो स्पेस, या पता नहीं उसका जो बेसिक मतलब है ना वैक्यूम का, कि एयर नहीं होती है और वहाँ पे एकदम जैसे जीरो स्टेट होता है और बहुत ही प्रोटेक्टेड। बेसिकली का मतलब है प्रोटेक्शन, मतलब अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी रखनी है, फ्रेश रखनी है, तो उसको वैक्यूम सील करते हैं। नॉर्मली आजकल अगर बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स भी आते हैं कि कपड़ों को अगर लंबे टाइम तक सेव करके रखना है, जैसे आपके ब्लैंकेट्स हो गए, स्वेटर हो गए, तो वो वैक्यूम सील होता है ना कि उसमें से पूरी हवा, ह्यूमिडिटी निचोड़ दो, निकाल दो और उसको वैक्यूम सील रखो, मतलब प्रोटेक्टेड रखो, उसको सेफ रखो। तो वही बेसिक मीनिंग था वैक्यूम सील का, जो उस टाइम पे वो हमारे साथ शेयर कर रही थी मेबल कैट्स, कि आप वैक्यूम सील, वैक्यूम सील, वैक्यूम सील, ये जो एक होपोनोपोनो टूल, इसको आप रिपीट करोगे तो आप जो अभी उस टाइम पे जो पैंडेमिक की जो सिचुएशन थी, या किसी भी सिचुएशन से, अभी तो फिलहाल थैंकफुली हम अच्छे सिचुएशन में हैं, तो अभी भी जब हमको कुछ भी सेफ प्रोटेक्शन फील करना है तो हम ये टूल यूज़ कर सकते हैं। मेथड सेम है, पहला मेथड रिपीट करें मन में या जोर से बोले आफ्टर अपने बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर के फ्रेजेस के साथ, जैसे आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, वैक्यूम सील, वैक्यूम सील, वैक्यूम सील, वैक्यूम सील, है ना, बहुत ही इजी। होपोनोपोनो प्रेयर के सबसे जो मैंने USP आपको बताई है, अगर आप ये भी पूरा मेरा एक पूरा एपिसोड है सीजन 1 में, तो यही है USP, बहुत ही इजी है इसको करना। और इजी इसीलिए है कि आपको सिर्फ उसको रिपीट करना है 4 फ्रेजेस को, और उसके बाद जो बेसिक होपोनोपोनो टूल्स है उसको। तो मेरा जो प्रेयर है, मैंने आपको सीजन में बहुत बार बताया कि मेरी जो प्रेयर है वो 5th फ्रेज भी उसमें ऐड होता है और होपोनोपोनो टूल्स भी ऐड होता है। तो मैं बोलती हूँ आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, सी पॉट, ड्यू ड्रॉप्स, गोल्ड रिंग, वैक्यूम सील, ये जो मेरे 4 फ्रेजेस हैं वो हमेशा चलते हैं, हर रोज़ चलते हैं मन में। और कभी भी मेरे हस्बैंड भी बाहर जाते हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोने के टाइम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारा मैं हर दिन बोलती रहती हूँ और लिखती भी हूँ। तो सेकेंड मेथड क्या है, आप लिख भी सकते हो ये टूल, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, वैक्यूम सील, वैक्यूम सील, वैक्यूम सील, वैक्यूम सील। और
किसी भी चीज़ को आपको प्रोटेक्ट करना हो, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके मनी को, आपके रिलेटिव्स को, आपके रिलेशनशिप को, तो आप ये वैक्यूम सील वाला जो होपोनोपोनो टूल है आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं पे रिटर्न अवेलेबल नहीं है। जो एक वेबिनार में मैंने मेबल कैट से सुना था, जैसे उन्होंने समझाया था, बस मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस इसीलिए वीडियो छोटा रख रही हूँ क्योंकि बेसिक फंडा तो आपको पता है कैसे करना है, बोलना है, मन में रिपीट करना है, ज़ोर से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं। वैक्यूम सील के आप वैक्यूम सील है, आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी निकल चुकी है, सारे जो ब्लॉकेजेस है, एनर्जी ब्लॉकेजेस है वो निकल चुके हैं और सारी जो मेमोरीज है वो स्लोली स्लोली डिलीट हो रही है, इरेज हो रही है और आप डिविनिटी की तरफ पहुँचते जा रहे हैं। और जब डिविनिटी और या ज़ीरो स्टेट या ज़ीरो लिमिट्स की तरफ पहुँचते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है और आपको फीलिंग आती है कि या सब कुछ मिल गया है, अब आपको और कुछ नहीं चाहिए, या फिर वो वाली फीलिंग कि हाँ अभी सारे मेरे मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, सारे मुझे मैनिफेस्टेशन वन बाय वन मेरे पास आते जाएंगे। तो ये है वैक्यूम सील। और अगर आपको कभी पता हो वैक्यूम सील के बारे में तो प्लीज़ मुझसे ज़रा शेयर करिए कि आपको वहाँ पे कैसे कहाँ पे क्या भी है, आपके पास जो भी डिटेल्स है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए, चाहे वो रिटर्न डिटेल हो, चाहे वो कोई वीडियो के फॉर्म में हो, ऑडियो के फॉर्म में हो, या कहीं पे आपने सुना हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए क्योंकि मुझे इसके बारे में और भी जानना है। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैक्यूम सील को ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत ही अच्छा छोटा सा अमेजिंग सा बेसिक टूल है। और थैंक यू सो मच, मेरे और दूसरा चैनल है उसको भी आप देख सकते हैं, सेंगोरिला विद ईला अनंताचार्य इंग्लिश में, वहाँ पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ, होपोनोपोनो एडवांस टेक्निक और टूल्स के बारे में बताती हूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।